कल तक शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने और कांग्रेस का बाहर से समर्थन दिलाने की बात कर रही एनसीपी अब पलटी मार रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि हमें और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, इसलिए हम विपक्ष में ही बैठेंगे। इतना ही नहीं, शरद पवार ने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार बीजेपी और शिवसेना की ही बनेगी और दोनों पार्टियां मिलकर आपसी गतिरोध को दूर कर लेंगे। दोनों 30 साल पुराने सहयोगी हैं और फिर वे एक साथ आ जाएंगे। शरद पवार ने साफ किया कि सरकार के गठन में हमारी कोई भूमिका नहीं है। शरद पवार के इस रुख से शिवसेना के तोते उड़ गए। असल में संजय राउत दिन रात शरद पवार के नाम की ही माला जपने और बार बार उनसे जाकर मिलने के खेल का अंत। असल में शिवसेना जानबूझकर शरद पवार का इस्तेमाल कर बीजेपी पर दबाव बनाना चाहती थी। कम से कम शरद पवार के ताजा रुख से शिवसेना का किया सारा का सारा चौपट हो गया। अब शिवसेना के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो विपक्ष में बैठने की तैयारी करे या फिर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाए, क्योंकि आसरा ही नहीं इस बात की पूरी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। अगर शिवसेना सरकार में शामिल नहीं होती है तो माना जा रहा है कि जो निर्दलीय उनके साथ गए हैं वे अपना समर्थन तब बीजेपी को दे देंगे और शिवसेना पर बगावत का संकट मंडराने लगेगा।